भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, आजकल देश में एक बात चल रही है जिसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। विवाद का विषय है आरटीआई में परिवर्तन। आरटीआई में परिवर्तन करके सरकार ये कह रही है कि इससे आरटीआई को मजबूत किया जाएगा। सरकार इस पक्ष में ये कहना चाहती है कि इस संशोधन से आरटीआई को मजबूती मिलेगी। वहीं समाज के बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं कि इससे आरटीआई को मारा जाएगा, आरटीआई की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आरटीआई क्या है? सरल और सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो आरटीआई वो अधिकार है जिसके द्वारा हमें प्रश्न पूछने का हक मिलता है। कैसा भी प्रश्न हो, किसी से भी प्रश्न हो, हम पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, किसी से भी सवाल हो, यही सवाल पूछने का हक हमें आरटीआई देता है। जैसे कि आपकी गांव में कौन सी योजना आई, उस योजना के लिए कितना पैसा आया, उस पैसे का यूज कहाँ कहाँ हुआ और बाकी का बचा पैसा कहाँ गया, इस तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। जिला अस्पताल में इलाज के लिए कितने पैसे आते हैं, दवाएं के लिए कितने पैसे आते हैं, उन दवाओं कितनी दवाएं बांटी जाती हैं और बाकी की दवाएं कहाँ चली जाती हैं, इस तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। हम इस तरह के प्रश्न प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किया, वो योजनाएं हमारे तक क्यों नहीं पहुंची, कब तक पहुंचेंगी और इन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हुआ और वो पैसे कहाँ गए, इस तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। उच्च न्यायालय से भी हम पूछ सकते हैं कि अभी कितनी केस पेंडिंग है और इन पर कब तक न्याय दिया जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार हमें आरटीआई देता है। इस आरटीआई को पाने के लिए 15 साल की कठोर मेहनत करनी पड़ी। 15 साल तक जनता रोड पर आती रही और अपने हक को मानती रही और ये कहती रही, हमारा पैसा, हमारा सूचना का अधिकार। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार के पास अपना पैसा नहीं होता है। सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है और जो भी कार्यक्रम करती है, उसके लिए जितना पैसा यूज होता है वो हमारे और आपका दिया हुआ ही पैसा होता है, यानी कि जनता का पैसा। जनता का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, ये जानने के लिए जनता का पूरा हक होता है। इस तरह के प्रयास, 15 साल की कठोर मेहनत के बाद हमें आरटीआई मिली। 12 अक्टूबर 2005 में ये हमें मिला। एक कानूनी जामा पहनाकर इसे हमारे सामने रखा गया। खुशी की बात ये है कि 60 से 70 लाख लोग एक साल में इसका प्रयोग करते हुए कई तरीके के सवाल पूछते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी विवादित आरटीआई। पिछले कुछ दिनों में कुछ जो विवादित आरटीआई रही, जिस पे बहुत हंगामा हुआ, उन पर बात करेंगे। विवादित आरटीआई में पहला नंबर जाता है एक आरटीआई को, जिसमें ये पूछा गया कि सरकार हमारा और आपका पैसा लेकर कितने लोग बाहर विदेश भाग गए हैं और इन लोगों को कौन कौन से बैंकों ने पैसा दिया है और कितना पैसा दिया है। ये वो आरटीआई थी जिस पर बहुत बवाल मचा था। उसके बाद की आरटीआई, प्रधानमंत्री ने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इस तरह का आरटीआई से प्रश्न पूछा गया था। राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, उनकी नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही है और खाली पद क्यों नहीं भरा जाएगा, ये एक आरटीआई का सवाल था। इसके बाद की आरटीआई थी नोटबंदी को लेकर। नोटबंदी के समय बहुत सी आरटीआई दायर की गई और बहुत से सवाल पूछा गया कि नोटबंदी किसके सलाह पर की गई, पुराने कितने नोट बैंकों में जमा वापस आ चुके, नई करेंसी को छापने में कितने पैसे लगे। इस तरह के सवाल जो है वो आरटीआई के माध्यम से पूछे गए थे। ये कुछ ऐसी आरटीआई थी जिसका जवाब सरकार नहीं देना चाहती थी। इस आरटीआई का जवाब न देने के लिए सरकार ने तर्क दिया कि अगर वो इन आरटीआईयों का जवाब देती हैं तो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक हित, सामाजिक और भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का तर्क सरकार देती रही और आरटीआई का जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन उनको मजबूरी में इस तरह के आरटीआई का जवाब देना पड़ा। ये वो कानून है जिससे सरकार पर दबाव पड़ता है। जो जवाब सरकार नहीं देना चाहती वो भी उन्हें देना पड़ता है। इन तमाम सूचना आयुक्त के पदों को नहीं भरा जाता है जब तक सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सरकार पर दबाव नहीं डालती। ये वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि आयुक्त की नियुक्ति हो और सारे आरटीआई का जवाब मिले, क्योंकि आरटीआई के जवाब से सरकार को खलबली मचती है। इस खलबली से जो जानकारी वो नहीं देना चाहती वो भी देना होता है।
सरकार को इस आरटीआई से इतनी चिढ़ है कि 45 से ज्यादा आयुक्त की मौत हो चुकी है। ये वो आयुक्त थे, ये वो अधिकारी थे जिन्होंने आरटीआई का जवाब उन आम लोगों को दिया जो जिन्होंने आरटीआई फाइल की थी। यानी कि 45 से ज्यादा आरटीआई के आयुक्तों को मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ये जानकारी आम लोगों को दे दी। अब सरकार इन नियमों में परिवर्तन करना चाहती है। 22 जुलाई 2019 को सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने के लिए लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जिसको 218 पक्ष और 78 विपक्ष में वोट पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा इसलिए बिल पास हो गया। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कर लिया गया है, यानी कि अब संभव है कि इस बिल में परिवर्तन हो जाएगा। इस बिल में परिवर्तन होने से क्या क्या बदलाव होंगे ये हमें और आपको समझ लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। 2005 का संशोधन ये कहता है कि आयुक्त का कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन अगर उनका उम्र 65 साल हो जाती है तो उनको उनके पद से इस्तीफा लेना पड़ेगा या वो पद से रिटायरमेंट हो जाएंगे। यानी कि कार्यकाल 5 साल या 65 साल के में जो पहले हो उससे रिटायरमेंट का प्रावधान रखा गया था। लेकिन इस बिल के आने के बाद जो संशोधन हुआ है वो ये हुआ है। 2019 का संशोधन कहता है कि मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। यानी कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा या 6 वर्ष का होगा, ये सरकार डिसाइड करेगी। और क्या परिवर्तन हुआ है। साल 2005 का कानून ये कहता था कि मुख्य सूचना आयुक्त की तनख्वाह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तनख्वाह के बराबर हो, इस तरह का प्रावधान रखा गया था। और सूचना आयुक्त की तनख्वाह आयुक्त की निर्वाचन आयुक्त की सैलरी के बराबर रखा गया था। यानी कि अगर मुख्य सूचना आयुक्त है तो उसकी सैलरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगी, और सूचना आयुक्त है तो उसकी सैलरी निर्वाचन आयुक्त की सैलरी के बराबर होगी। ये 2005 का कानून कहता था, लेकिन 2019 के कानून में जो संशोधन किया गया वो क्या कहता है। 2019 का संशोधन कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी और सूचना आयुक्त की सैलरी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। यानी कि सीधे और सरल शब्दों में समझा जाए तो हम देख सकते हैं कि सरकार सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन और सेवा की शर्तों को अपने हाथ में लेना चाहता है। सरकार जब इन लोगों की वेतन और कार्यकाल को अपने हाथ में ले लेगा तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। जो आज तक जिन्हें स्वतंत्र रखा गया था, जिनके पद को इतने उच्च पदों के साथ तुलना करके और इनके वेतन और कार्यकाल को इसलिए स्वतंत्र रखा गया था ताकि उन पर कोई दबाव ना हो और वो किसी के लिए भी पूछा गया सवाल का जवाब बड़ी स्वतंत्रता से दे पाए। लेकिन सरकार जब सूचना आयुक्त की सैलरी और सूचना आयुक्त के कार्यकाल में परिवर्तन को अपने हाथ में लेती है तो इसका ये सीधा मतलब निकलता है कि अब सवालों का जवाब हमें और आपको आसानी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पर सरकार का दबाव रहेगा। इन्हें डर होगा कि अगर ये सरकार के खिलाफ कोई भी जानकारी हमें और आपको दे देते हैं तो इनके कार्यकाल में कमी की जा सकती है और इनके वेतन में भी कमी की जा सकती है। इस तरह के दबाव में हमें और आपको आज तक जिन आरटीआईओं का जवाब मिलता रहा है और जिससे हम सरकार पर अंकुश लगाते रहे हैं वो अब नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे पुलिस पर नेता का दबाव होता है, इसलिए पुलिस नेता पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो उनका ट्रांसफर कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही निर्वाचन आयुक्त और आयुक्त के साथ भी होगा। अगर वो सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसी जानकारी हमें और आपको देते हैं तो हो सकता है कि उनके कार्यकाल में और उनके वेतन में कमी की जाए। इस तरह के बदलाव से आरटीआई को कमजोर किया गया है और हमारे और आपकी जानकारी ना हमें और आपको जानकारी ना मिले, इस तरह का प्रयास किया गया है। इससे हम और आप जो है वो थोड़े और कमजोर हो गए हैं। यूं तो सरकार बहुत से प्रश्नों का जवाब आज भी हमें नहीं देती नजर आती है। वो सवाल कई तरीके से हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, इसका जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया। कई आंकड़े हमारे सामने आज भी नहीं आए हैं। 2017 से आंकड़े आना बंद हो चुके हैं। हमें अब भी नहीं पता कि किसान
कितने एक साल में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपराधिक दर कितनी बढ़ी है, इन सब आंकड़ों को आज भी हमारे और आपके सामने नहीं रखा जा रहा है। और अगर हम और आप ये जानना चाहें कि कितना कितना क्राइम बढ़ा है, उसके लिए अगर हम आरटीआई लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें अब आरटीआई का जवाब ना मिले। इस तरह के परिवर्तन से आरटीआई को तो कमज़ोर किया गया और आम लोगों की जवाबदेही को भी कमज़ोर किया गया। सरकार चाहती ही नहीं है कि आम लोगों तक ये सब जानकारियाँ पहुँचें। आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें। अगर आप ये वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर इसे पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।